बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र से है, जहां शनिवार को प्रतिष्ठित हॉस्पिटल अपोलो मेडिक्स के टेरेस पर टंकी की सफाई करने गए एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर अपोलो हॉस्पिटल प्रशासन पर मारपीट, गाली गलौज की धाराओं के साथ गैर इरादतन हत्या एवं SC ST एक्ट के तहत आज दर्ज किया गया मुकदमा। बता दें कि मूल रूप से कटरा थाना बाराबंकी निवासी 29 वर्षीय सोनू कुमार शनिवार को कुछ अन्य मजदूरों के साथ अस्पताल के टेरेस पर टंकी की सफाई करने ठेकेदार प्रतीक मौर्य के साथ आया था। अपराहन उसे टंकी के पास अचेत अवस्था में पाए जाने पर उसे अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मजे की बात तो यह है कि अस्पताल प्रशासन में काफी देर बाद घटना की सूचना कृष्णानगर थाने में दी। वहीं देर शाम घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन में शव दिखाने से मना कर दिया और मृतक के परिजनों से गाली गलौज एवं हाथापाई की। बवाल की सूचना मिलते ही कृष्णानगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक PK सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने आज सुबह शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। वहीं आज सुबह मृतक के पिता आनंद कुमार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या एवं SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि मजदूर सोनू की मौत करंट लगने से हुई है। मृतक के परिवारिक जनों में छोटा भाई मोनू व तीन बहनें मानसी, लक्ष्मी एवं राखी हैं। घर में मृतक सोनू इकलौता कमाने वाला था।